दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं नयन और आप लोग देख रहे हैं आरुति कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया जॉब नोटिस लेकर आया हूं। आज का नोटिस है NPCIL की तरफ से। हाँ फ्रेंड्स, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से बहुत ही शानदार जॉब नोटिस निकला है फ्रेंड्स। ए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह आप लोगों का PSKL मिलेगा यहाँ पर। और आप लोगों का जो इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो बहुत सारा ब्रांच से यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रो, CSE, CIS। तो फ्रेंड्स, मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन सा पोस्ट में क्या क्या रिक्रूटमेंट हो रहा है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए और सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है, लास्ट डेट कब है, कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस कितना है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो को शेष तक देखते रहिए। और आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ शाम को 6 बजे आप लोगों के लिए एक जॉब अपडेट्स ले आता हूँ फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों के पास माफ़ी चाहता हूँ कि मैं मतलब यस्टरडे मैं वीडियो नहीं ला पाया, इसलिए आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से मैं हर रोज़ ही वीडियो लेकर आऊँगा। एक दिन मैं वीडियो नहीं ले पाया, इसलिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। आज से आप लोग हर रोज़ शाम को 6 बजे आप लोगों को वीडियो मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कंटिन्यू करिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो नोटिस है इसका, इस एडवर्टाइजमेंट को आप लोग डाउनलोड करने के लिए आप लोग आना पड़ेगा इसी वेबसाइट में। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी वेबसाइट को दे दूँगा, वहाँ से आप लोग इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसी नोटिस में आप लोग यहाँ पर अगर आएंगे तो बाएं तरफ आप लोग देख सकते हैं इसमें बहुत सारा पॉइंट है। इस पर ऊपर आप लोग देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट करके ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करके दिखाता हूँ कैसे आप लोग इसमें डाउनलोड करेंगे। तो आप लोग इस एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करेंगे तो आप लोगों का नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड हो गया है। और अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से ही अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप लोग थोड़ा नीचे आ जाएंगे, आने के बाद आप लोग इसमें देख सकते हैं जो क्लिक हेयर टू अप्लाई बोल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करके इसको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को फॉर्म के बारे में डिटेल्स में बताऊँगा कैसे और आप लोग कौन सा पोस्ट में अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग पहले देख सकते हैं इसका जो फॉर्म है, पहले हिंदी वर्सन है और उसके बाद आप लोग इंग्लिश वर्सन भी मिलेगा। मैं आप लोगों को इंग्लिश वर्सन से बोलता हूँ जिसलिए आप लोगों का सबका मतलब आसान हो जाएगा आप लोगों को समझने में, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल से जो भी फ्रेंड्स आप लोग अप्लाई करते हैं उन लोगों को इंग्लिश में अच्छा होता है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि फ्रेंड्स, ह्यूमन रिसोर्स में फिक्स टर्म अपॉइंटेड, आप लोग का फिक्स टर्म का जॉब होगा, मतलब परमानेंट जॉब है। इसमें आप लोगों का देख सकते हैं ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होगा मतलब इस महीने की, मतलब जुलाई महीने की 9 तारीख से आप लोगों का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 9 जुलाई से। और आप लोगों का लास्ट डेट होगा कि 29 जुलाई 2021। तो इससे पहले आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। इसी दोनों डेट को आप लोग प्लीज़ याद रखिए और इससे मतलब 29 जुलाई से पहले आप लोग इसमें अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आप लोग इसमें देख सकते हैं डिटेल्स फॉर द पोस्ट। इस पोस्ट में आप लोग देख सकते हैं फिक्स टर्म इंजीनियर सिविल का पोस्ट निकला है। यहाँ पर आप लोग टोटल 11 वैकेंसीज है। इसमें आप लोग क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है BE, BTEC और BSc इंजीनियरिंग 60% मार्क्स विथ आप लोगों का BTEC और BE और BSc कोई भी ब्रांच से अगर आप लोग मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप लोग BE, BTEC और BSc कंप्लीट कर चुके हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से और 60% मार्क्स के साथ, तो आप लोग इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों का सैलरी भी आप लोग देख सकते हैं 61,400 पर मंथ आप लोगों का सैलरी मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा पोस्ट है आप लोग इसमें देख सकते हैं फिक्स टर्म इंजीनियर मैकेनिकल, इसमें भी आप लोगों का ग्रेजुएशन मांग रहा है BE, BTEC, BSc, उसके साथ आप लोगों का 60% मार्क्स रहना पड़ेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। उसके बाद आप लोगों का पोस्ट है फिक्स टर्म इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, इसमें आप लोगों का देख रहे हैं कि आप लोगों का ग्रेजुएशन ही मांगा है BE, BTEC और BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से 60% मार्क्स के साथ। तो आप लोग इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से BE, BTEC कंप्लीट कर चुके हैं तो। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं फिक्स टर्म इंजीनियर CNINEC, इसमें आप लोग क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं ग्रेजुएशन BE, BTEC, BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स। तो आप लोग इसमें भी अगर 60% मार्क्स से BE, BTEC और BSc कंप्लीट कर चुके, कोई भी एक BE कंप्लीट कर चुके और BE, BTEC भी कंप्लीट कर चुके, कोई भी एक BE और BTEC और BSc कंप्लीट कर चुके, तो जरूर इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि फिक्स टर्म इंजीनियर, इसमें CNI, CS एंड IS,
ग्रेजुएशन विथ बी बी टेक एंड बी एस सी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स, इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स ऑल्सो एलिजिबल। तो फ्रेंड्स मैं क्वालिफिकेशन भी बता चुका हूँ, अब आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसीड्यूर और फीस कितना चाहिए और कैसे अप्लाई करेंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स मैं पहले ही बोल चुका हूँ आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा नीचे आ जाइए आने के बाद इस पर सर्विस कंडीशन कुछ है इसमें कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। आप लोग सिलेक्शन प्रोसीड्यूर को इंडक्शन प्रोसीड्यूर सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें बोल रहा है कि इन केस ऑफ रिसीप्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर एनी कैटेगरी ऑफ डिसिप्लिन द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू कंसिडरिंग द नंबर ऑफ नेचर एंड एप्लीकेशन कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू पर्सनल इंटरव्यू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी। मतलब इसमें बोल रहा है कि फ्रेंड्स अगर लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट आ रहा है तो आप लोगों को इसमें जरूर इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आप लोगों को सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन उसमें कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, और अगर आप लोग यहाँ से अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग इसी वेबसाइट को क्लिक करके भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जरूर याद रखिए कि आप लोग दोनों डेट को याद रखना है, 9th जुलाई टू आप लोग 29 जुलाई तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसी दोनों डेट को आप लोग जरूर याद रखिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो और भी कुछ इस पर इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोगों को जरूरत है तो जरूर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद आप लोग इसमें देख सकते हैं और थोड़ा नीचे आ जाइए तो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो मैं, तो फ्रेंड्स लगभग मैं पूरा पॉइंट जो है मैं क्लियर कर चुका हूँ, और कुछ भी पॉइंट छूट गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं जरूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।